जी आज मैं आपको दिखाने लेके आ रहा हूँ ये जो देसी जो चक्की है जहाँ पे आटा पिसता है, खुसूसी हवाले से इस हवाले से मैं आज एक खुसूसी रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इसका मकसद ये है क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है दो किस्म के आटे पीसे जा रहे हैं, एक फ्लोर मिल के अंदर पीसा जाता है और दूसरा जो है जो देसी चक्किया है उसके अंदर पीसा जाता है। जहाँ तक हमने रिसर्च किया, हमारा जो सर्वे है और यहाँ के मुहक्किन और यहाँ के जो बुज़ुर्ग कहते हैं उसके मुताबिक जो देसी चक्की का जो आटा है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह होते हैं, जबकि जो फ्लोर मिल्स के अंदर जो आटा पीसा जाता है उसके अंदर जो उसके प्रोटीन्स होते हैं, उसके विटामिन्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। उसकी वजह जो है मौकिकीन और यहाँ के बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि जो फ्लोर मिल के अंदर आटा पिसाई होता है तो उसके अंदर एक तेल होता है, वो तेल आपका मैदा हाजमा और उसके साथ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह को कंट्रोल करने और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब वो फ्लोर मिल्स के अंदर पीसा जाता है तो वो तेल वहाँ पे सूख जाता है, वो तेल वहाँ पे ख़त्म होता है, उसकी पिसाई उस तरीके से होती है, इंडस्ट्रियलाइज तरीके से होती है, जिसकी वजह से उसका जो तेल होता है वो ख़त्म हो जाता है और आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और उसके साथ वो जो आटा है फ्लोर मिल्स के अंदर जो पीसा जाता है वो एक से दो महीने के आप रख लेते हैं तो वो आटा ख़राब हो जाता है। जबकि उसके निस्बत अगर हम देसी जो चक्की है, जो पंचक्की जिसको पंचक्की भी कहते हैं, जो पानी से चलता है, उसके अगर उसमें जो आटा पीसा जाता है तो उसकी क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी ये है कि उसका आटा जो है प्योर दे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर पीसा जाता है, और दूसरा ये आटा गर्म नहीं होता है, और तीसरा ये कि उसका जो ऑयल है वो जो तेल होता है गंदम के अंदर वो तेल उससे ख़त्म नहीं होता है, उसके जो प्रोटीन है वो बरकरार रहते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑर्गेनिक पिसाई भी कहा जाता है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ अब भी इस देसी चक्की से पिसाई होती है, और उसी वजह से दूर दराज के इलाकों के अंदर बुज़ुर्गों की उम्रें भी 100 साल से क्रॉस कर चुकी हैं और उसके साथ यहाँ पर बीमारियाँ भी ना होने के बराबर हैं। तो हमारी भी आपको हमारे सर्वे के मुताबिक यही सजेशन है कि आप भी अगर कर सकते हैं तो देसी चक्की का आटा इस्तेमाल करें, यकीनन आप इससे आप अफादियत हासिल करेंगे। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं फ्रंशार्ड का रहने वाला हूँ, और मैं ये चक्की कम से कम 10-12 साल से ये चला रहा हूँ, और इससे पहले भी ये चक्की यहाँ पे इसी तरह के लोग चलाते हैं और इसी तरह के यहाँ पे काफ़ी चक्कियाँ चल रही है, और ये पानी के ज़रिए चलती है। इसके नीचे लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं और इसके ऊपर से पानी आ रहा है, और ये दो पत्थर लगे हुए, एक पत्थर नीचे लगा हुआ है, एक पत्थर इसके ऊपर लगा हुआ है, और इसके बीच में एक लोहा लगाया होता है, और जब पानी इसके नीचे लकड़ी के उस टुकड़े में लग जाती है पट्टू में तो ये ऊपर वाला पत्थर घूम जाता है। तो ऊपर से गंदुम, ये ऊपर वाला टोकरी में हम गंदुम रखते हैं तो गंदुम आराम आराम से ये पत्थर के अंदर सुराख बना के ये पत्थर के अंदर चला जाता है, और फिर आराम आराम से इसको पिसाई करके बाहर निकाल लेते हैं। और इसकी खुशियात ये है कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छा और बहुत मुफीद है, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में आज तक किसी को मैदे की तकलीफ़ नहीं हुई है, क्योंकि जो सिकतों आगे शहरों में जो चक्कियों में जो पिसाई करते हैं मशीनों में, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। असल में ये जो चक्की में जो होता है बहुत अच्छा आटा निकलता है इसमें, और इसकी जो ताकत है वो ज़ाया नहीं हो जाती है, ये आटे को गर्म नहीं हो जाते हैं, और जैसे ही आटा ये निकल जाते हैं इसी तरह ये आटे बना लेते हैं।